फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए प्लानिंग के साथ। आज हम बात कर रहे हैं 25x33 का, यानी कि 25x33 फिट। इसकी प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे आज। आप सीधा वीडियो में बने रहें और हम देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की प्लानिंग आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये जो प्लानिंग है हमारे पास, ये है ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्व मुखी 25x33 फिट पर। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ स्पेस छोड़े हैं, यानी कि ये हो चुका है हमारा नॉर्थ फेसिंग। अब पूर्व मुखी है लेकिन हमने इसको उत्तर मुखी कर ली। यहाँ से कुछ हमारे लिए पार्किंग के स्पेस जैसा छूट चुका है और यहाँ से हमें देखने को मिलती एक विंडो एंड सेकेंड विंडो यहाँ से मिलती है। यहाँ से हमारा डोर हो जाता है जो कि 3 फिट का है। ये सब भी हम आगे बताएंगे आपको। ये हो जाता है हमारा ड्राइंग रूम, 10x10 फिट का एक हो जाता है हमारे पास ड्राइंग रूम। और यहाँ पर हमें मिल जाता है एक विंडो। अगर हम आगे बात करें यहाँ से, तो एक विंडो यहाँ पर, ये हो जाता है 9x9 इंच का एक बेडरूम हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं यहाँ पर एक हमें मिल जाता है डोर और एक डोर यहाँ पर, दोनों फ्रंट में है। यहाँ से हम देखते हैं आगे तो हमें मिल जाता है किचन। किचन जो है, किचन का साइज है 6x8x10 फिट का। एक्चुअल प्लॉट साइज थोड़ा कम है, इस कारण क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ा। इस कारण कुछ थोड़े से जो साइज है हमें छोटे मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर पैसेज की, तो ये हमारे पास पैसेज मिल जाता है और यहीं से हमारी स्टेयर गई हुई है। आप चाहें तो यहाँ से पैसेज से भी बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर 3 फिट का ये गैप है, या फिर इसे हम डोर कह सकते हैं, जो कि डोर लगाया जाएगा बाद में। ये 3 फिट का हो जाता है। यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिलता है एक बेडरूम जो कि साइज अच्छा है, 12x9x10 फिट का। यहाँ पर आपको विंडो मिलती, एक विंडो यहाँ पर मिल जाती। अब हम बात करें यहाँ पर, तो एक कोर्ट यार्ड है हमारा, यहाँ पर हम आर्च भी बना सकते हैं और डोर भी लगा सकते हैं। कोर्ट यार्ड जो है फ्रेंड्स, इसका साइज जो है आपको देखने को मिलेगा WC यानी कि लेट एंड बाथ। तो अगर हम बात करें इसकी, तो WC जो है हमारी वो है 3 फिट की और 3x4 फिट की, और जो बात है वो है हमारे पास 6x8x4 फिट की। अब अगर हम बात करें टोटल प्लॉट साइज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फिट है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये 3x9 इंच यानी कि वॉल को मिलाकर ये अंदर है। और यहाँ से अगर आप बात करें जो कि ये है, तो ये है हमारे पास 33 फिट का। अगर मैं पूरा आपको एक इसका ओवरव्यू दूं, तो ये है यहाँ से हमारा गेट, यहाँ से ड्राइंग रूम होता है हमारा। एक बेडरूम ये मिल जाता है हमें 9 फिट के आसपास का, ये बेडरूम मिल जाता है 12x10 फिट का। और यहाँ पर कोर्ट यार्ड, एक किचन, उसके फ्रंट से हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए जाती है स्टेयर। अगर हम बात करें तो ये हमें देने की ज़रूरत ऐसे नहीं होती वर्किंग में, लेकिन फिर भी कुछ जगह जिन्हें समझ नहीं आता है, तो उन लोगों को ये देना पड़ता है कि कितना इसका प्लिंथ हाइट रहेगी और कितना ग्राउंड लेवल रहेगा। इस पर हम कभी और बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो इस पर भी हम ज़रूर कभी ना कभी अच्छे से वीडियो बनाएंगे। हम देख लेते हैं एरिया स्टेटमेंट। 30x50 फिट है टोटल, यानी कि 1500 स्क्वायर फिट का। बिल्टअप एरिया 678 और जो फ्लोर एरिया है वो है 530। अब अगर हम बात करें तो डोर 3.5x7 का है, D1 3x7 का है, और D2 जो कि हमारे टॉयलेट में होता है वो है 2.5x2.5x6 फिट का। विंडो 5x4 की है, विंडो सेकंड जो है वो हमारे पास 4x4 की है, और एक विंडो 2 जो है वो 2.5x3 की है। वेंटिलेटर की बात करें हम, तो 2x1.5x फिट का है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो में आपको कहीं भी लगता है कि कुछ और होना चाहिए या फिर और कुछ इससे बेहतर हो सकता है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।